नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास महल कांग्रेस प्रखंड कार्यालय पर अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जहां आनंद बिहारी दुबे को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर ग्रामीण प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से कई कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे का सम्मान किया। हमारे कांग्रेस के सभी साथियों का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने हम पर विश्वास जताया, इसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। पार्टी संगठन की जहाँ तक बात है, आप देख रहे हैं कि मैं जिस दिन से बना हूँ भोर 6 बजे से रात 12 बजे तक पब्लिक के बीच, और मेरा सोच सिंपल है कि जब हमारा नेता, जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, अगर वो सड़क पर संघर्ष कर रहा है तो हम अपने घर पे कैसे बैठ सकते हैं। हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि अपने नेता के बताए हुए रास्ते पर चले, और हम लोग यहाँ उस संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करने जा रहे हैं। उस रास्ते पर चल पड़ी है पार्टी, और यहाँ भी इस जिला में आप देखेंगे कि कल मेरा पदभार ग्रहण है, और कल के बाद ये नहीं होगा कि एक हफ्ता बाद, परसों से ही ये सारे चीज यहाँ आपको दिखने लगेंगे जिला में। और जिला में हम लोग आम जनता की समस्या से जनता को जोड़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे सभी बड़े छोटे नेता एक साथ मिलकर के हम लोग पब्लिक का काम करें, पब्लिक की समस्याओं से जुड़े। झारखंड की जो हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है, आप देखें कि आपके माध्यम से मैं बताऊं कि जुगसलाई फ्लाईओवर का बात कोई 2-4 दिन का बात नहीं है, ये पिछले 60-70 वर्षों से ये समस्या लगी हुई है। हमारे सरकार ने उसका क्लियरेंस करा करके दिया है, वो काम शुरू हुआ। मानगो फ्लाईओवर का बात कोई आज का बात नहीं है, ये बरसों का कहानी है, बरसों से इस क्षेत्र की जनता का बात रहा है। हमारी सरकार वहाँ काम कराने जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ MGM हॉस्पिटल की समस्या एक दिन की समस्या नहीं है, उस हॉस्पिटल का पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन करने का काम और नया हॉस्पिटल बनाने का काम सरकार करने जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के बार बार वृद्धों को ठगा जाता था गली गली घूम करके कि आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर दीजिए, हम आपको दिला देंगे, आप हमको वोट दे दीजिए, आप हमको 25-50 रुपया दे दीजिए। इस सरकार ने तय कर दिया कि कोई भी वृद्धा अगर उस श्रेणी में आता है और प्रमाणित करता है कि मेरा आयु ये हो गया, तो उस सारे लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगा, और मिलना शुरू हो चुका है। अब इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग पब्लिक के बीच जाना चाहते हैं, पब्लिक की जो और समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के सड़क से लेकर के सरकार तक पार्टी संघर्ष करेगी। और आने वाले समय में विजन सिंपल है कि हम निचली इकाई से बूथ से लेकर के और ऊपर तक संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि संगठन अपने आप में एक ताकत होगा, और वो ताकत यहाँ से लोकसभा। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।